सरक सरक उधर। गजब बेइज्जती है। ओह सरक सरक उधर। ओह सरक सरक उधर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, जिसको देखते हुए हमारे परिधान मंत्री जी प्रचार मंत्री के रूप में मैदान पर उतर चुके हैं और रैलियों का शुभारंभ शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बताते चले कि कल राजस्थान के अजमेर जिले में प्रधानमंत्री जी की एक रैली थी, जहां स्टेज पर प्रधानमंत्री के साथ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा के सीएम पद के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह राठौर मौजूद थे। इसी बीच यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिस पर लोगों का कहना है कि राजस्थान में भाजपा चार गुटों में बट गई है, बिखर गई है, जिसकी वजह से अब भाजपा नेताओं को आपस में धक्का दे के मोदी जी के बगल में खड़ा होना पड़ रहा है। वहीं अब इस वीडियो पर विपक्ष के साथ लोगों ने तंज कसा है और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं, राजस्थान भाजपा खंड खंड, वो भी मोदी जी के सामने। भाजपा की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को धक्का दे करके मोदी जी के साथ खड़ा होना पड़ा। वहीं रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह इस वीडियो को शेयर करते हुए कहते हैं, चार गुटों में बटी राजस्थान बीजेपी गंभीर आंतरिक संघर्ष से जूझ रही। पीएम के सामने ही शीर्ष नेताओं की मंच पर स्पष्ट दिखती अदावत पार्टी के लुंज पुंज हालात बता रहे हैं। वहीं एक और ट्विटर यूजर लिखती है कि दूसरों पर कटाक्ष करने वालों कभी खुद के घर में भी झांक लिया करो, राजस्थान में बीजेपी राजस्थान कहा। शाबाश। दोस्तों, वसुंधरा राज द्वारा इस तरह से धक्का मार करके आगे आने वाले इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी ही सुपर फास्ट लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।